हाँ जी बच्चे, तो एन्युटी में अभी हमारे टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में डिस्कस किया है, अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, लेकिन अभी हमने एन्युटी डी के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है। तो आज की क्लास में हम अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू पढ़ेंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू पढ़ेंगे। लेकिन एन्युटी के इतने सारे टॉपिक्स हो चुके हैं कि आपके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा क्लासिफाइड करके लिख देता हूँ कि क्या किसका फार्मूला क्या था, जिससे कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस को लेंगे। क्लियर है बच्चे? उसका फिर हम डेफर्ड एन्युटी पढ़ेंगे। डेफर्ड एन्युटी के अंदर भी आपके जो है कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आपके आते हैं। तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस बहुत वास्ट है, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि भैया हमारे पढ़ा पढ़ा के पसीने छूट चुके हैं, आपके पढ़ पढ़ के पसीने छूट चुके हैं, और आप यही कह रहे हो सर कब ख़त्म होगा ये। और लेकिन वो बच्चे बड़े शक्तिशाली हैं, कहाँ से इतना बड़ा जिगरा लेकर आते हैं कि जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले हम उठाएंगे और हम बिजनेस मैथ्स को हम कवर कर लेंगे। तो भगवान भरोसे है, भारत है, कुछ भी हो सकता है। बिना पढ़े लिखे वाले बच्चे जब पहले से लेके 12वीं पास कर चुके हैं तो कॉलेज भी कर ही जाएंगे। देखिएगा, हाँ जी, बात करते हैं हम यहाँ पे एन्युटी की। एन्युटी की टाइप्स में आप कन्फ्यूज हैं तो मैं बताता हूँ। बेसिकली आपके सिलेबस में सबसे पहले मैं आगे जो अभी पढ़ाया नहीं मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, जो अभी तक है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। डेफर्ड एन्युटी की बात बाद में की जाएगी, ठीक है? फर्स्ट आपका जो अभी तक डिस्कस हुआ है वो आपका इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट एन्युटीज, इस पे बात कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटीज। क्लियर है? और इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा रहता है, एट द एंड ऑफ पीरियड, ये एक ही बात है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 ईयर की बात है, लाइक जीरो, आप जब आप पैसा लोन लेते हैं या पैसा जमा करते हैं आप, जीरो, फिर उसके बाद एंड होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इंटरेस्ट एट द एंड, तो जब आपने लिया तब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, एट द एंड यहाँ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, यहाँ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एट द एंड यहाँ इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्लियर है बच्चे? इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, इसके अंदर भी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, इसके अंदर भी अमाउंट ऑफ इमीडिएट एन्युटी अमाउंट ऑफ इमीडिएट एन्युटी एक ये पढ़ा है, जिसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1+i^(n-1)/i, ये पढ़ा हमने, ठीक है बच्चे? और एक इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हमने इमीडिएट एन्युटी ही पढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी, तो प्रेजेंट वैल्यू में पी इक्वल्स टू आर, और यहाँ पे हमने करा है 1-1+i^(-n)/i, ठीक है बच्चे? समझ में आया आपको? तो ये हमने दो चीज़ें अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं,
लेकिन एक चीज़ जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी है उसको आज की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ रखते हैं थोड़ा भैया, डेफर्ड एन्युटी की बात बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो इसमें ऐड कर दूंगा। आज की क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं फिर हम? इसका एक नाम है एन्युटी ड्यू, ठीक है बच्चे? इसको इसमें क्या कहते हैं, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग लाइक 0, 1, 2, 3। तो स्टार्टिंग में इंटरेस्ट लग जाएगा, हर के पीरियड के स्टार्टिंग में ही इंटरेस्ट लग जाएगा। क्लियर है बच्चे? जैसे कि अभी आप मुझसे पैसा लेते हो, लेते ही आपके ऊपर इंटरेस्ट ठोक दिया मैंने, ये होता है एन्युटी ड्यू। एक होता है इमीडिएट एन्युटी, आपने मुझसे पैसा लिया, अब एक साल का पहले पीरियड हो जाए उसके बाद फिर मैं आप पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है? ये दो चीज़ें होती हैं, ये समझ में आया आपको बच्चे? अब इसमें भी दो बातें पढ़ोगे आप, ऐसा हुआ है कि आपने एक चीज़ पढ़ी हो? सेम अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू एस इक्वल्स टू एस अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू एस इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 plus i raised to power n minus 1, सबको सेम है, अपॉन i, ठीक है? n अपॉन 1 upon i, ठीक है बच्चे? ये इसका फॉर्मूले में एक चीज ऐड हो गया है। सॉरी एक सेकेंड, एक चीज i अपॉन 1 plus i, दिस वन, ये चीज एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? और इसमें ही मैं दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा, एंड सेकंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में p इक्वल्स टू r ब्रैकेट इस बार 1 minus 1 plus i raised to power minus n upon i upon 1 plus i, दिस वन। क्लियर है बच्चे? जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला बना वैसे बना, बस इसके नीचे 1 plus i लगा दिया दोनों के नीचे, उसी फॉर्मूले को आपने आगे कंटिन्यू कर दिया। ये पहले बात समझ में आया आपको? ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग कन्फ्यूज जो हो रहे थे वो अब कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में ना रहे। चलो मैं क्वेश्चन एक करवा देता हूँ आपसे। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ 200 rupees पर ईयर, वर्ड आ गया ना बच्चे ड्यू, एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू ऑफ 200 rupees पर ईयर पेबल पेबल हाफ ईयरली फॉर 20 years, हाफ
ईयरली फॉर 20 years टू 4% पर एनम, टू 4% पर एनम। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। तो सबसे पहले टेबल हाफ ईयरली, अब सबसे पहले यहां पर एक वर्ड क्लियरली साफ साफ स्पष्ट तौर पे ड्यू आ गया, तो एनिटी ड्यू का क्वेश्चन है इसमें, किस एट द बिगिनिंग इंटरेस्ट पेबल है। तो सबसे पहले आपका आर है ना, ये तो साल में 200 रुपये जा रहा है, लेकिन जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका पास में सालाना दिया हुआ है और हर साल 200 रुपये आप देते हैं, बट आपका पेबल क्या है हाफ ईयरली। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुटी ड्यू ऑफ द 200 रुपीज पर ईयर पेबल हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली पेबल है तो आप हाफ ईयरली में कितना इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, 200 रुपये तो पूरे साल का है आपका, तो हाफ ईयरली में कितना देंगे आप, 100 रुपये ईच इंस्टॉलमेंट होता 200 रुपीज, तो मैं 200 रुपीज लेके चलता, बट ये एक साल का बता रहा है और हमें हाफ ईयरली पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट, तो 100 रुपीज हो गया आर। क्लियर है बच्चे? उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर एम निकालूंगा। एम क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाय, एक साल में कितनी बार जा रहा है, तो 2 बार जा रहा है, तो एम इक्वल्स टू कितना आ गया, सॉरी कितने टाइम पीरियड के गैप पे जा रहा है एक साल के अंदर, 6 मंथ के, तो एम इक्वल्स टू 2 आ गया। इसी तरीके से एन निकालूंगा, तो एन क्या होता है, एम टी होता है, एंड एम क्या है आपके पास में, एम मतलब कि एक साल में कितनी बारी दे रहे हो और कितने साल तक दोगे, और 20 ईयर्स तक दोगे, तो एन इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे, 40 हो गया। एंड आपके पास में आई इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में, 0.04, बट आप इसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय एम करोगे ना, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.02 हो गया आपके पास में। क्लियर है? अब बहुत आसान है चीज़ें आपके लिए, कैसे, आप सिंपल सा अपना एक फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी। तो अमाउंट ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू आर ब्रैकेट, अमाउंट निकालना है आपको, तो 1 प्लस i रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई ब्रैक अपॉन में 1 प्लस i दिस वन, एंड एस इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट 1 प्लस i 0.02 की पावर n, n क्या है 40 माइनस 1 अपॉन 0.02 और अपॉन 1.02 हो जाएगा, एंड एस इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू, कैलकुलेटर राजा जी तैयार है। कैलकुलेशन में डरना तो किसी बच्चे को ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर करेगा कैलकुलेशन, आप नहीं करोगे, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्रेस करते जाओ जब तक यहाँ पर 41 नहीं आ जाए। ऑलरेडी मैं क्लास को स्टार्टिंग देखोगे तो मैंने सिखाया है इसको कैसे करना है। तो ये क्या है आपका 2.208039 माइनस 1 अपॉन 0.02 एंड अपॉन 1.02 दिस वन, एंड एस इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट माइनस वन करके एंड डिवाइडेड बाय क्या कर दो 0.02, तो क्या आया आपका 60.40 अपॉन 1.02 एंड डिवाइडेड बाय 1.02, तो क्या आया आपका एस इक्वल्स टू 100 into 59.21 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आया आपका एस इक्वल्स टू 592.76। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ये आपका जो है अमाउंट बन जाएगा आपका 5921 रुपये अगर आप देते रहेंगे तो अगले 20 साल तक। वैसे तो आपका 200-200 के हिसाब से तो 4000 ही बनता है, लेकिन ब्याज व्याज मिला मुलू करके 5921.76 आपका बन जाता है। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई ये बताएं, समझ में आ गई है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे अग्रसर करें, चलिए करते हैं जी। ये क्वेश्चन देखो बच्चे जरा अपने सामने स्क्रीन पर, पहले आप ट्राई करोगे इसको, चलो फिर आप ट्राई करें एक बार इस क्वेश्चन को। एन एनुटी ऑफ इक्वल पेमेंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एवरी 6 मंथ फॉर द 5 ईयर्स, भाई आर आपका यहाँ पे मिसिंग है पता नहीं है, फॉर 5 ईयर्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर द
10,000 rupees. टाइम आपको पता है 5 years है, देखिए अभी एन नहीं पता, हम यूज एन करते हैं. और क्या कह रहा है, 5 years टू बी कैलकुलेटेड फॉर 10,000 rupees. कैलकुलेटेड क्या हो गया, सम ऑफ अमाउंट 10,000. इफ द इंटरेस्ट रेट इज द 18% I equals to, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, अभी सीधा ऐसे से लिखो, बाद में बात करेंगे ना. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, आपको M निकालना. अगर एक साल के अंदर अंदर किसी पीरियड पे पेमेंट करते हो, वो M निकालो. M कैसे, 12 डिवाइडेड बाय कितने इंटरवल में पेमेंट कर रहे हो, 6 मंथ पे, तो M इक्वल्स टू 2 हो गया. अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, N निकालना है. N क्या होता है, MT होता है. और आपके पास में M क्या है, मतलब कि एक साल में 2 बार ही आ रहे हो, और 5 साल में कितनी बार ही आओगे, पेमेंट कितनी बार इंस्टॉलमेंट दोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, N बोलते हैं. और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें I निकालना है, तो I क्या हो गया, 0.18, लेकिन हमारे पास में डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 0.09 होगा. क्लियर है? और इस बार हमारे पास में अमाउंट है, और हमें क्या निकालना है, R निकालना है. बस फॉर्मूला आप अपना पूरा वैसे ही सजाइए, S इक्वल्स टू R ब्रैकेट 1 प्लस I रेज़ टू पावर N माइनस 1 अपॉन I अपॉन 1 प्लस I. दिस वन, इस बार अमाउंट 10,000 है, इसको यहीं रहने देते हैं. इक्वल्स टू R 1 प्लस I वन प्लस आई 1.09 ये ना, ठीक है, रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.09 अपॉन 1.09 एंड 10,000 इक्वल्स टू R ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1.09 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्रेस करते रहो 11 जब तक नहीं आ जाता, तो आ गया 2.3673 माइनस 1 अपॉन 0.09 एंड इसके अपॉन में आपका आ जाएगा 1.09. क्लियर है बच्चे? तो सॉल्व करेंगे 10,000 इक्वल्स टू R ब्रैकेट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.09 एंड डिवाइडेड बाय 1.09, तो फाइनल रिजल्ट कितना है आपका, 1.3938 एंड R इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 1.3938 4676 पूरा है. एंड R इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 1.3938 4676 717.43. दिस वन. क्लियर है बच्चे? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ये पहले आप कैलकुलेट करो. बच्चे ऐसे आते हैं जोश में, देखते हैं क्वेश्चन चल रहा, भाग जाते हैं. हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन क्या है देखो. सबसे पहले हेलो, ठीक, ये क्या है आपके पास है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कहता है पी इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन अपॉन आई अपॉन 1 प्लस आई एंड पी इक्वल्स टू आर. आर क्या है आपके पास में बच्चे, लिख लेते हैं, चलिए डैट कर लेते हैं बच्चे. आर द फाइंड द अमाउंट ऑफ द एनुटी ड्यू 200 रुपीज पेबल एन अ हाफ ईयरली. वन माइनस वन प्लस आपके पास में आई क्या होगा, एम इक्वल्स टू क्या है आपका, टू
ना लिख देता हूँ मैं, एम इक्वल्स टू क्या है आपका 12 मंथ एंड हाफ ईयरली है तो एम इक्वल्स टू 2 एंड एन इक्वल्स टू क्या होगा एम टी एंड एन इक्वल्स टू 2 इंटू एम कितने साल के लिए 20 साल के लिए तो एन इक्वल्स टू 40 एंड आपके पास में आई इक्वल्स टू 0.04 डिवाइडेड बाई 2 0.02 ठीक है बच्चे ये अच्छा फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी ये गलत क्वेश्चन नहीं तो वो प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है ये प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन नहीं है प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन मैं बताता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी लिख देता हूँ मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू ठीक है क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं ऐसे लिखा रहेगा फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी ऑफ रेट 100 रुपीज पर एनम फॉर 20 इयर्स एट 4% पर एनम 20 इयर्स एट 4% पर एनम तो मतलब कि हम जो ये किस्त भरे जा रहे हैं 100-100 रुपये का इसमें ब्याज भी शामिल है तो ब्याज हटा के बता दो कि अगर बिना अगर हम इंस्टॉलमेंट के करवाते किस्त के कैश में करते तो मुझे कितने का पड़ता सेम क्वेश्चन ही रहेगा सब कुछ बस ये बोलेगा कि भैया एट द बिगनिंग या एन्यूटी ड्यू शब्द इस्तेमाल कर देगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो वही है कि आपने कोई चीज़ किस्त पे लिए 100-100 रुपये आपको देने पड़ेंगे 20 साल तक आपको उसकी किस्त और आपका ब्याज शामिल है अगर आप उसको कैश में लेते तो कितने का पड़ता तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का केस हो गया या फिर एट द बिगनिंग ओहो ये तो ऑर्डिनरी एन्यूटी हो गया ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्यूटी ये तो बच्चे एक टॉपिक हुआ पड़ा है एन्यूटी ड्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी 4% मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एन्यूटी ड्यू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी ड्यू एन्यूटी ड्यू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ड्यू एन एन्यूटी क्योंकि क्वेश्चन तो वही हो गया था ना जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ड्यू ऑफ रेट 1000 पर एनम ऑफ रेट 1000 पर एनम For 14 years, allowing interest at 9% per annum, ठीक है बच्चे तो साफ साफ मेंशन किया जाएगा आपके पास में आप हर साल में भुगतान कर देते हो 1000 रुपये का और आपको 9% ब्याज के साथ में तो हर इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल है अगर उसको कैश में लेते तो कितने का पड़ता और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा डिपेंड करता है प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू तो दो के थे ऑर्डिनरी एन्यूटी का था एन्यूटी आपके पास में एट द एंड ऑफ द पीरियड बोल देता है इमीडिएट एन्यूटी बोल देता है लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है इसने एन्यूटी ड्यू तो एन्यूटी ड्यू में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर ब्रैकेट वन
माइनस वन प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन अपॉन आई एंड ब्रैकेट वन प्लस आई दिस वन. क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? एन पी इक्वल्स टू आर, आर क्या आपका 1000 रुपीज़ है, वन माइनस 1.09 रेज टू पावर माइनस कितने 14 साल के लिए दिस वन अपॉन 0.09 एंड अपॉन 1.09 एंड पी इक्वल्स टू कर लोगे बच्चे सॉल्व? चलो करवा देता हूँ, जब यहाँ तक लेकर आया हूँ तो आगे भी सॉल्व कराता हूँ. 1 अपॉन 1.09 रेज टू पावर 14 अपॉन 0.09 एंड 1.09 एंड पी इक्वल्स टू 1000 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1.09 इंटू एंड इक्वल्स टू प्रेस करो यहाँ पे 3.34172 अपॉन में 0.09 अपॉन 1.09 एंड पी इक्वल्स टू 1000 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3.34172 0.29924 अपॉन 0.09 अपॉन 1.09 पी इक्वल्स टू 1000 ब्रैकेट 1 माइनस 0.29924 0.70076 अपॉन 0.09 अपॉन 1.09 एंड पी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 0.09 7.786 0.70076 डिवाइडेड बाय 0.09 7.78 डिवाइडेड बाय 1.09 तो क्या आएगा? इन पी इक्वल्स टू 1000 इंटू 7.17143 इंटू 1000 तो 74. क्लियर है बच्चे? ये पड़ेगा आपका 7143 रुपये आपका पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू में. तो आपको समझ में आ गया? तो एक तो एन्युटी के अंदर एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी इमीडिएट एन्युटी या एट द एंड ऑफ द पीरियड, और एन्युटी के अंदर एन्युटी ड्यू या एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ये दो केसेस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. क्लियर है? अब अगली क्लासेस में हम डेफिनेट एन्युटी पर डिस्कशन करेंगे, फिर एन्युटी का एक कंप्लीट हमारा टॉपिक हो जाएगा. मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू जी, थैंक यू सो.